मुगल शासक शाहजहां का बेटा दारा शिकोह जो उपनिषद और भारतीय दर्शन का विद्वान था। दारा शिकोह जिसे उसके ही भाई क्रूर शासक औरंगजेब ने कत्ल करवा दिया उसका, उसी दारा शिकोह को अब सदियों के बाद पहचान मिली है। दिल्ली के एक इंजीनियर ने दारा शिकोह की कब्र खोजने का दावा किया, तो क्या है कब्र के रहस्य के पीछे हकीकत और बीजेपी की सियासत में दारा शिकोह क्यों अहम है? आइए देखते हैं दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से संवाददाता रविकांत की यह खास पड़ताल। मुगल शासक शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह, वो दारा शिकोह जो शाहजहां को सबसे ज्यादा प्रिय था, वो दारा शिकोह जो उपनिषद और भारतीय दर्शन का विद्वान था, जो लिखता था वेदांत और सूफीवाद पर, जिसने उपनिषदों का पहली बार संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया, और वही दारा शिकोह जिसे उसके अपने भाई क्रूर शासक औरंगजेब ने काफिर कहकर कत्ल करवा दिया था। हिंदू मुस्लिम एकता और मोहब्बत की बात करने वाले दारा शिकोह को इतिहास के पन्नों में वो जगह नहीं मिली जिसका वो हकदार था। इस बात तक की सही जानकारी नहीं थी कि दिल्ली के हुमायूं मकबरे में दफन दारा शिकोह की कब्र कौन सी है, लेकिन अब सदियों के बाद दारा शिकोह को पहचान मिली है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के हेरिटेज सेल में सहायक अभियंता संजीव कुमार सिंह ने दारा शिकोह की कब्र खोजने का दावा किया है। मेरे पीछे ये दारा की असली कब्र है, हम यूं कह सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने ठीक एक साल पहले जनवरी 2020 में हुमायूं के मकबरे में दफन दारा शिकोह की कब्र ढूंढने के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI से संबंधित पूर्व अधिकारी और देश के बड़े पुरातत्वविद शामिल हैं। हुमायूं के मकबरे के डोम के नीचे बनाई गई और जहां पहले से मुराद और दानियाल जो अकबर के बेटे थे वो ऑलरेडी बरीड थे, तो उस जगह पे इनकी दारा की ग्रेव वहां बनी। पिछले 4 साल से संजीव दारा शिकोह की कब्र तलाश रहे थे, लेकिन अपनी रिसर्च के दौरान उनके हाथ लगी फारसी भाषा में लिखी किताब आलमगीर नामा की चंद लाइनें, जिनमें छुपा था दारा शिकोह की कब्र का पूरा रहस्य। आंजा मदफून अंध दफन नमूदंद, ये पहली मर्तबा हमारे पास ये इतनी वजाहत से किसी ने यह बात कही है कि दारा शिकोह की कब्र को कहां बनाया गया, कहां उसको दफन किया गया। अगर दारा शिकोह की कब्र पर यह दावा सही है तो यह खबर कई मायनों में बड़ी है। आप पूछेंगे कि आज के भारत के लिए दारा शिकोह क्यों अहम हो गया है, क्यों बीजेपी और RSS दारा शिकोह के फलसफे की अक्सर बात करते हैं, और दारा शिकोह की छवि को भारतीय मुसलमानों के बीच ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करना चाहते हैं। इतिहास के पन्नों में छिपी दारा शिकोह की यह दिलचस्प कहानी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं दारा शिकोह की कब्र का रहस्य, जिसे सुलझाने का दावा इंजीनियर संजीव कुमार सिंह कर रहे हैं। इस तलाश की दास्तान जानने ABP न्यूज पहुंचा दिल्ली के हुमायूं मकबरा। साथ में थे संजीव कुमार सिंह, जिन्होंने दारा की कब्र खोजने का दावा किया है। सवाल ये कि संजीव कुमार की खोज में नया क्या है? अब तक तो ये पता था कि दारा शिकोह की कब्र हुमायूं के मकबरे में है, लेकिन मकबरे की 140 कब्रों में से कौन सी है ये नहीं पता था। जिस कब्र को दारा की माना जाता है वो दारा की नहीं है। यहाँ आप सामने 3 कब्रें देख रहे हैं। ये पहली कब्र दारा शिकोह की है, उसके बाद मुराद की कब्र है, और उसके बाद की जो कब्र है वो दानियाल की है। अगर आप दारा शिकोह की बात करिए तो इसको 3 हिस्सों में बनाया गया है। एक हिस्सा ये हम छू सकते हैं, दूसरा हिस्सा ये छू सकते हैं, तीसरा ये हिस्सा छू सकते हैं। हालांकि जो आर्किटेक्चर के लोग हैं वो अलग टर्मोलॉजी में बात करेंगे। ये जो आर्किटेक्चर का फर्क है वो हम आपको बता रहे हैं। अब हुमायूं मकबरे की इन सीढ़ियों को चढ़कर संजीव जैसे ही ऊपर पहुंचे तो उन्होंने ठीक बाईं ओर की पहली कब्र के बारे में बताया कि अब तक सामान्य तौर पर इसे ही दारा शिकोह की कब्र समझा जाता था, जो कि खुले में है।
जबकि दरअसल ये कब्र दारा की कब्र का जो रास्ता है उस रास्ते पर बनी हुई है। इसी की सीध में दारा की कब्र का चेंबर है जो जाली के भीतर है। ये सामने वाला जो कक्ष नजर आ रहा है, इस के अंदर जाकर के हम या इसके अंदर पहला एक चैम्बर है, उसके बाद दूसरा चैम्बर है, उसके बाद एक सुरंग है, उसके बाद मेन चैम्बर है। एक चैम्बर जो मुख्य वाला जो बीच का चैम्बर है, जो सेंट्रल वन है, वो उसमें हुमायूं दफन है, ठीक है। बाकी के उनके जो फैमिली के और मेंबर्स हैं, जिसमें दारा भी शामिल है, वो भी इन्हीं पांच चैम्बर्स में से एक में दफन है। तो तीन लोगों को नीचे दफनाया गया होगा, तभी उसकी कब्रों की प्रतिरूप जो है वो ऊपर बनाया गया है। तो वो तीन जो लोग हैं वो वहाँ तक जो वो दफन है उस जगह तक जाने के लिए सिर्फ यह और सिर्फ एक यही रास्ता है। दरअसल कई वर्षों के शोध के बाद संजीव को दारा शिकोह की कब्र की सटीक जानकारी मिली 1688 में लिखी मोहम्मद काजिम की किताब आलमगीरनामा में। ये फारसी किताब हालांकि औरंगजेब की तारीफ में लिखी गई है, लेकिन इसकी कुछ पंक्तियों में जिक्र था एक कब्र का। ये पहली मर्तबा हमारे पास ये इतनी वजाहत से किसी ने यह बात कही है कि दारा शिकोह की कब्र को कहाँ बनाया गया, कहाँ उसको दफन किया गया। इसमें ये कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो उसकी कब्र जो है वो लाश जो है सर के साथ है या बेसर की है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि उसकी उसके सर को काट के दे दिया गया था और वो मेरठ भेज दिया गया था। तो इसमें वो डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन ये है कि कब्र कहाँ है इसका डिस्क्रिप्शन है। इस किताब में लिखा था कि हुमायूं के मकबरे में गुंबद के नीचे मुराद और दानियाल के साथ दारा शिकोह की कब्र है। यानी खोजकर्ता संजीव को अब देखना था कि किस चेंबर में तीन पुरुषों की कब्र है, और यहाँ सिर्फ एक ही चेंबर है जहाँ तीन पुरुषों की कब्र है, यानी तीनों कब्रों पर कलमदान लगा है। अब सवाल है कि इनमें दारा की कब्र कौन सी है। तो परंपरा के अनुसार माना गया कि यहाँ जो पहले दफनाया जाएगा उसे बीच में जगह मिलेगी, और जो कुछ समय बाद दूसरा दफनाया जाएगा उसे दीवार की तरफ जगह दी जाएगी जिससे रास्ता ब्लॉक ना हो, और जो सबसे बाद में दफनाया जाएगा उसे आने जाने के रास्ते में सबसे आगे या सबसे पहले वाली जगह मिलेगी। आर्किटेक्चर से भी इस पहचान की पुष्टि होती है। वहां देखिएगा जो रेक्टेंगल बना हुआ है वो सीधा सीधा है, यहाँ उसके किनारे घिसे हुए हैं, मतलब स्लोप्ड है खूबसूरत दिखने के लिए। ये चीज भी हमको बहुत बाद में मिलती है, और आप ऊपर के व्यू को भी देख लीजिए, बिल्कुल फर्क है। तो ये जो आर्किटेक्चर है ना, ये बिल्कुल अलहदा है उन दोनों से। तो हम बिल्कुल ये 100% कह सकते हैं कि उन दोनों की जो वफात हुई, जो उनकी डेथ हुई, उनकी जो मृत्यु हुई, वो आसपास हुई है, ये बहुत बाद में हुई है। और जो आने का रास्ता है उससे भी हमको ये तस्दीक होती है कि कौन आदमी पहले आया होगा और कौन आदमी बाद में आया। शोध के दौरान संजीव ने आलमगीर नामा की फारसी पंक्तियों को समझने के लिए मदद ली दिल्ली विश्वविद्यालय के फारसी भाषा के पूर्व विभागाध्यक्ष अलीम अशरफ से। इसके अनुवाद और कब्र की वास्तुकला के अध्ययन से तस्वीर साफ होने लगी। हुमायूं बादशाह अनारुल्लाह बसवाहु नकल कर दे, वहां पर उन्हें ट्रांसफर किया गया। वह दर तहखाने और वो तहखाना के जेरे गुम्बद मरकद मुतबर्रक आ हजरत अस्त। हुमायूं के मकबरे भी यही है, जो मेन गुम्बद है हुमायूं के मकबरे का बड़ा गुम्बद, उसमें जो बीच पर रखी हुई चीज़ है वो उनका मकबरा नहीं है। हुमायूं का नाम है उसका मकबरा, लेकिन हुमायूं वहाँ दफ नहीं है। हुमायूं दफन है उससे कम से कम 50 फुट नीचे, कम से कम 50 फुट नीचे। ये तो हुई संजीव कुमार सिंह के दावे की बात, लेकिन दारा शिकोह की तकरीबन 400 साल पुरानी कब्र से जुड़ी इस खबर ने अखबारों की सुर्खियां क्यों बनाई? दारा शिकोह का किरदार आज के दौर की सियासत में अहम क्यों बन गया है? क्यों बीजेपी और आरएसएस को दारा शिकोह में इतनी दिलचस्पी है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें दारा शिकोह की कहानी को समझना पड़ेगा। 20 मार्च 1615 को जन्मा दारा शिकोह मुगल बादशाह शाहजहां का सबसे बड़ा और सबसे चहेता बेटा था। शाहजहां ने हमेशा चाहा कि दारा शिकोह ही मुगल सल्तनत का बादशाह बने, लेकिन दारा का व्यक्तित्व और जीवन किसी बादशाह की तरह न होकर किसी सन्यासी या फकीर जैसा था। शुरुआत से ही उसका झुकाव पढ़ाई और अध्यात्म की तरफ ज्यादा था। दारा शिकोह की उम्र बढ़ी तो वो इस्लाम के अलावा दूसरे धर्मों के ग्रंथ और महान चिंतकों की किताबें पढ़ने लगा। उसने गीता उपनिषद से लेकर सूफी संतों की रचनाओं का अध्ययन किया। शाहजहां दारा को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन 1939 में दारा शिकोह कांधार की जंग हार गया। वहां से लौटते समय दारा शिकोह ने एक बड़े संत से जो सवाल पूछे उससे पता चलता है कि दारा शिकोह के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था।
वो संत थे बाबा लाल बैरागी। कहा जाता है कि दारा के मन में इतने सवाल थे कि वो लगातार 9 दिन तक बाबा लाल बैरागी से सवाल पूछता रहा। ये आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? मूलतः दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। और ये मूर्ति पूजा का क्या उद्देश्य है? मूर्ति पूजा का उद्देश्य मनुष्य के मस्तिष्क को ध्यान में लगाना होता है, परंतु जिसे आत्मा का ज्ञान हो उसे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहा जाता है कि दारा ने सूफी संत मुल्ला शाह की प्रेरणा से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने का फैसला किया। कुछ ग्रंथों में ये चर्चा भी है कि इस अनुवाद के लिए दारा शिकोह वाराणसी में खुद रहा और 150 संस्कृत विद्वानों से मदद ली। उपनिषदों के इस अनुवाद को दारा ने सीरे अकबर का नाम दिया, जिसका मतलब है महान रहस्य। इस बात का श्रेय दारा को दिया जा सकता है कि उसने उपनिषदों के ज्ञान को पश्चिमी देशों तक पहुंचाया। लेकिन दारा ने इस्लाम और अद्वैत दर्शन में समानता की बात कर कट्टरपंथियों से दुश्मनी मोल ले ली, और इसी बात को लेकर कट्टरपंथी औरंगजेब भी अपने भाई के खिलाफ हो गया। 15 जून 1659 को औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि के साथ दिल्ली के लाल किले में अपना राज्याभिषेक किया और देश का शासक बन गया। लेकिन मुगल सल्तनत का तख्त ताज हासिल करने के बाद भी औरंगजेब अपने पिता शाहजहां और भाई दारा शिकोह को लेकर चौकस था। उसने शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया था। दारा और उसके बेटे सिपियार शिकोह को भी औरंगजेब ने पकड़ लिया था। तो हमारे कत्ल करने के इरादे से आए? हम नहीं जानते हैं। हमें हुक्म मिला है कि आपको आपके बेटे से अलग कर दिया जाए। जाकर कह दो औरंगजेब से कि हमें हिंदुस्तान के ताजों तक में कोई सरोकार नहीं है। चलो हमारे साथ। दारा कुछ नहीं चाहते। लेकिन दारा शिकोह के लिए लोगों का बेहिसाब समर्थन और शोहरत देखकर औरंगजेब परेशान हो गया। उसने दारा की सजा को लेकर दरबार बुलाया, जहां दारा पर यह आरोप लगा कि वो काफिर है। आलमपना, शहजादे दारा शिकोह आपके गुनाहगार ही नहीं, वो काफिर भी। दारा ने खुद हिंदुओं के उपनिषदों का तर्जुमा किया है, अपनी किताब में इस्लाम और हिंदू मजहब को बराबर का दर्जा दिया है, जो कि इस्लाम की तौहीन है। इन बातों से साबित होता है कि शहजादे बुतपरस्त भी हैं। और तो और, दारा तो कहते हैं कि जन्नत वही है जहां मुल्लाओं का शोर नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि दारा शिकोह को सजाए मौत देने में कोई हर्ज नहीं है। काफिर दारा शिकोह पर लगाए गए तमाम इल्जामात साबित। हम शहजादे दारा शिकोह को सजाए मौत का हुक्म अदा करते हैं। उसका सर कलम ठोक। दारा शिकोह का सिर कलम कर दिया गया। इसके बाद औरंगजेब के आदेश से कटे सिर को धोकर थाली में सजाकर औरंगजेब के सामने पेश किया गया, ताकि उसे दारा की मौत की तसल्ली हो जाए। इतिहास में बादशाहों का जिक्र ज्यादा होता है, शायद यही वजह है कि औरंगजेब की बात हर दौर में हुई, लेकिन दारा शिकोह इतिहास के पन्नों में खो सा गया। मगर हिंदुस्तान में आज की सियासत में औरंगजेब कट्टर इस्लाम तो दारा शिकोह मॉडरेट इस्लाम के चेहरों के रूप में जाने जाते हैं। दारा शिकोह ने भारतीय दर्शन और हिंदुत्व को पश्चिमी दुनिया के सामने रखने का काम किया। अगर सियासी नजरिए से देखा जाए तो आरएसएस और बीजेपी को लगता है कि दारा शिकोह जैसे चेहरे भारतीय संस्कृति की उसी सोच को आगे बढ़ाते थे जिसमें संघ और बीजेपी यकीन रखती है। सितंबर 2019 में आरएसएस ने दारा शिकोह की आध्यात्मिक विरासत को सामने लाने के लिए एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भी किया। सरकार ने पिछले साल दारा शिकोह की कब्र का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI के निदेशक TJ अलोन की अध्यक्षता में 7 लोगों की एक कमेटी बनाई थी। अब दिल्ली नगर निगम के इंजीनियर संजीव सिंह ने दारा शिकोह की कब्र की पहचान करने का दावा किया है। 11 जनवरी को कमेटी के सदस्यों ने दिल्ली में हुमायूं के मकबरे पर कब्रों का मुआयना किया था, जिसके बाद कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।